बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर 25 एंड दिस इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अवर टॉपिक क्रोमैटोग्राफी ऑफ चैप्टर 2। क्रोमैटोग्राफी जो है, इसके पहले वर्ड मीनिंग्स आपके साथ डिस्कस कर लें। क्रोम मीन कलर, और इसी तरह से ग्राफी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्राफ खाका बनाना, तस्वीर बनाना या कोई नुक्ते लगाना, ये सब किस में आती है? ग्राफी में आती है। फोटोग्राफ जो रोशनी से तस्वीर बनाई जाती है। तो पहले बेटा जी, इसका हम इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन आपकी किताब में जो है, बेसिकली क्रोमैटोग्राफी एक एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। तो अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिनॉन इज क्रोमैटोग्राफी। एक्चुअली इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पार्टीशन लॉ, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में किया था। तो द वर्ड क्रोमैटोग्राफी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमाटोस। क्रोमाटोस यानी राइटिंग इन कलर्स। तो ग्रीक वर्ड क्रोमाटोस मींस राइटिंग इन कलर। तो जब क्रोमैटोग्राफी से कोई कंपोनेंट्स जैसे डेफिनेशन में आपको बताया जा रहा है, सेकंड पैराग्राफ में इस टॉपिक के, क्रोमैटोग्राफी इज ए मेथड यूज प्राइमरीली फॉर द सेपरेशन ऑफ ए सैंपल ऑफ मिक्सचर। तो मैंने इसको जरा ज्यादा अच्छे लफ्जों में लिख दिया है, क्रोमैटोग्राफी इन विच कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ कलर्स फ्रॉम अ सैंपल। दोबारा से, क्रोमैटोग्राफी एक इन विच जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, एक मिक्सचर में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड, उनको अलहदा कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, कलर्स की सूरत में। वो सेपरेटेड होंगे तो हमें अलग अलग कलर स्पॉट्स की सूरत में नजर आएंगे फ्रॉम अ सैंपल, किसी भी गिवन सैंपल से। तो डेफिनेशन बड़ा ही करने के बाद, अब जो है इसका बेसिक प्रिंसिपल है क्रोमैटोग्राफी, कैसे किस बेस के ऊपर कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इट इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। वो जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट्स, सॉल्यूट कंपोनेंट है, वो अपने आप को दो डिफरेंट फेजेस, दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी डिसॉल्व करता है। अब आप ये बात सब जानते हैं, देखिए मिसाल के तौर पर जो है वो नमक है। आप 5 ग्राम नमक ले लें, 5-5 ग्राम नमक के दो सैंपल ले लें, और दोनों को जो है वो 50 ml जो है, एक 5 ग्राम नमक को 50 ml वाटर में और दूसरे 5 ग्राम नमक को जो है वो 50 ml अल्कोहल में डालें। तो आप देखेंगे कि पानी में वो ज्यादा हल हो गया है, 5 ग्राम में से ज्यादा हल हो गया है और अल्कोहल में कम हल हुआ है। तो वजह ये है कि दोनों दो डिफरेंट सॉल्वेंट्स की तरफ, दो डिफरेंट लिक्विड्स की तरफ, दो डिफरेंट फेजेस की तरफ, किसी भी एक गिवन सॉल्यूट की हल होने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती गिवन टेम्परेचर पे। तो इसलिए क्या होगा कि जब एक सॉल्यूट को जो है वो हम दो सॉल्वेंट्स, एक सॉल्यूट के ऊपर से को दो सॉल्वेंट के हवाले करेंगे, तो वो दोनों में से जिसमें ज्यादा हल होना चाहता है वो हल हो जाएगा। तो हो सकता है कि अब मिसाल के तौर पर मिक्सचर के अंदर दो सॉल्यूट्स मौजूद हों, एक ए सॉल्वेंट में ज्यादा हल होता हो, दूसरा बी सॉल्वेंट में। हमने मिक्सचर का सैंपल जो है उसको दोनों सॉल्वेंट के ऊपर लगा देना है, तो जो है वो एक कंपोनेंट ए सॉल्वेंट में ज्यादा हल हो जाएगा तो वो दूसरे सॉल्वेंट सॉल्यूट से अलहदा हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो बी सॉल्वेंट में हल हो जाएगा तो वो पहले सॉल्यूट से हल हो जाएगा। इस तरह से ये एक दूसरे से अलहदा होंगे। तो अब प्रिंसिपल के बाद जो है हम, क्योंकि बात आ गई है किसकी, ये स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट्स को स्टेशनरी एंड मोबाइल फेजेस का नाम दिया गया है। तो आए जरा पहले इसको देखते हैं कि ये कैसे मतलब है, ये स्टेशनरी फेज क्या है, मोबाइल फेज क्या है। बड़ा जी, स्टेशनरी फेज थोड़ा सा बारीक लिखा है,
मैं पढ़ता हूं साथ साथ, द सॉल्वेंट यूज इन क्रोमेटोग्राफी विच इज आइदर इन सॉलिड और लिक्विड इन स्टेट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। कोई भी ऐसा सॉल्वेंट क्रोमेटोग्राफी में, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो इस्तेमाल किया जाता है जो या तो आइदर इन सॉलिड या सॉलिड स्टेट में हो या फिर किस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। और दूसरी तरफ मोबाइल फेज, द सॉल्वेंट यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, द सॉल्वेंट यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी विच इज आइदर इन गैस और लिक्विड स्टेट, यो या तो गैस स्टेट में होता है या फिर लिक्विड स्टेट में। ये तो हो गया इनके फिजिकल स्टेट्स का फर्क, ठीक हो गया ना जी। अब इनका बेसिक फंक्शन क्या है जी, इफ स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, अगर स्टेशनरी फेज कोई लिक्विड होता है, ठीक है ना जी, इट इज सपोर्टेड ऑन इनर्ट सॉलिड एज ए थिन लेयर, तो उस स्टेशनरी फेज को भी हमने किसी कागज या ग्लास, ठीक है ना जी, या सिरेमिक मटेरियल के ऊपर एक बारीक लेयर की सूरत में लगाना है, ठीक हो गया ना जी। जबकि दूसरी तरफ मोबाइल फेज फ्लोज ओवर, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, वो स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करता है, असेंडिंग यानी ऊपर को चढ़ता है, डिसेंडिंग या नीचे को आता है, या फिर जो है वो रेडियली जो है वो फैलता है, यानी सेंटर से तमाम अतराफ में फैलता है। तो बहरहाल वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बेटा जी जो है आपका टॉपिक का तीसरा पैराग्राफ, उसका मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है, व्हाई सॉल्यूड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी, व्हाई सॉल्यूड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी, वो क्यों तकसीम होते हैं। तो उसका जवाब आपकी किताब में लिखा हुआ है, इन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटीज, ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटीज, इन क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, सबस्टांसेस आर सेपरेटेड यानी सॉल्यूड कंपोनेंट्स अलहदा अलहदा हो जाते हैं ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटीज, इस अफिनिटीज के ऊपर या साइड पे जहां पे भी क्या लिख ले, सॉल्युबिलिटीज, ताकि आपको समझ में आ जाए, ड्यू टू देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज, अफिनिटीज से मुराद क्या है, सॉल्युबिलिटीज फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, यानी स्टेशनरी मोबाइल फेज में उनकी हल होने की सलाहियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट्स, बड़े जवाब आपका भी जारी है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बिटवीन द टू फेजेस इज गवर्न्ड कंट्रोल्ड बाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट के, जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर लॉ में पढ़ा था, यहां तक जो है के, और उसके नीचे फिर जो फार्मूला है वो के क्या बताया गया है, के क्या बताया गया, के इज इक्वल टू क्या बताया गया, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट इन द मूविंग फेज, मूविंग फेज की जगह पे बेशक आप मोबाइल फेज लिख दें, और इस तरह से कंसेंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज। तो ये फार्मूला बेटा जी, यहां तक आपके इस सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा, इस सवाल का जवाब यहां तक आपका मुकम्मल हो जाएगा। अभी थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ के, व्हाट इज द रोल ऑफ के इन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी में के का क्या रोल है जी। तो द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर विद स्मॉल वैल्यू ऑफ के, ऐसा कोई कंपोनेंट है, कोई ऐसा सबस्टांस है जिसकी वैल्यू ऑफ स्मॉल, के की वैल्यू स्मॉल है, तो कहते के की वैल्यू कब स्मॉल होगी, जब जो है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो, यानी वो कंपोनेंट जो है वो स्टेशनरी फेज में ज्यादा रहना पसंद करता है,
जब उसके ऊपर से मोबाइल फेस, तो वो वहीं पीछे ही रह जाएगा, मोबाइल फेस ऊपर से गुजर जाएगा और कोई दूसरा कंपोनेंट जिसकी के की वैल्यू पहले कंपोनेंट से ज्यादा है तो वो मोबाइल फेस के साथ साथ आगे चला जाएगा, पहला कंपोनेंट पीछे रह गया, दूसरा मोबाइल फेस के साथ आगे चला गया, दोनों कंपोनेंट से एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक हो गया ना जी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पर जो है आप दो दोस्त जो हैं, वो जो है वो आपस में बैठे एक जगह पे, आपके और दो दोस्त आ जाते हैं जो कि आपके मिसाल के तौर पर मैट्रिक के दोस्त रहे हैं। अब आप फर्स्ट ईयर में दो दोस्त हैं, दो आपके मैट्रिक के आ जाते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के क्लास फेलोज नहीं है। ठीक हो गया ना जी। तो अब जब आता है ना जी, तो मिसाल के तौर पर जो है आप जो है वो आप अपने दोस्त के साथ अलहदा उठ के जाके बैठ जाते हैं और आपका दोस्त अपने दोस्त के साथ अलहदा उठ के जाके बैठ जाता है, तो आप दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अलहदा अलहदा हो गए। बिल्कुल इसी तरह से एक मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो दोनों स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज जैसे सॉल्वेंट्स में अलहदा अलहदा मकदारों में हल होते हैं और इसी हल होने की बुनियाद पर वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। चले तो बेटा जी आखिर में अब क्या आ गया है, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये टाइप्स किसकी बुनियाद पर है, बेस्ड ऑन स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज की बुनियाद पर नहीं बल्कि किसकी बुनियाद पर है, स्टेशनरी फेज की बुनियाद पर है। नंबर वन जो है एडजॉर्शन, एडजॉर्शन क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज, सॉलिड, स्टेशनरी फेज सॉलिड है। और दूसरी क्या जी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, स्टेशनरी फेज कौन है, लिक्विड है। तो इस तरह से अगर यानी कि मोबाइल फेज और जो है स्टेशनरी फेज दोनों लिक्विड हो तो वो क्या होगी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेज गैस है और स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो तब भी वो क्या होगी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना जी। लेकिन अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है, तो वो क्या होगी, एडजॉर्शन क्रोमेटोग्राफी, मोबाइल फेज जो मर्जी हो, मोबाइल फेज के ऊपर नहीं सिर्फ स्टेशनरी फेज की बुनियाद पर। जी बेटा जी। तो टाइप्स के बाद जो है देर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वन सच टेक्निक नेमली पेपर क्रोमेटोग्राफी इज डिस्कस्ड बिलो। ये आपका अगला लेक्चर जो है वो लेक्चर 26 होगा। तो इंशाल्लाह ताला जो है बेटा जी जो है हम पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर जो है। तो इसके साथ जो है वो मैं आपको कोई हेल्पिंग वीडियो भी दूंगा ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे। शुक्रिया। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हम सबका मददगार हो। आमीन।